मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास का कल तलब करने पर इत्तेफाक किया गया है। मजीद की तफसीलात में बताएंगे शहाबुद्दीन। जी शहाब, अपडेट कीजिएगा। जी, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाती और आफ्ताब आलम सूबाई वजीर कानून के दरमियान मशावरत हुई है और पहली फुर्सत में इनके दरमियान असम्बली इजलास बुलाने पर इत्तेफाक हुआ है और आप भी अभी उसके लिए रिक्विजिशन असम्बली सेक्रेटरिएट में जमा करा दी गई है और कल जुम्मे के दिन इजलास बुलाया जाएगा असम्बली सेक्रेटरिएट के मुताबिक और इसमें मखसूस नशिस्तों के बारे में भी मशावरत की गई है और मखसूस नशिस्तों के लिए खवातीन के 21 और 4 अकलियती अराकीन के जो नाम है वो फाइनल की जाएंगे और वो फाइनल लिस्ट पर अड़ियाला जेल में बानी पीटीआई के सामने पेश किया जाएगा और उसके फाइनल अप्रूवल के बाद वही अराकीनी असम्बली इस रवान इजलास में जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसी इजलास में हल भी उठाएंगे। जी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद हमें अपडेट कर रहे थे शहाबुद्दीन, आपका बहुत शुक्रिया।